तो केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज जातीय शिक्षा नीति 2020 प्रमुख पदक्षेप आरंभ करुछंती सीधासळख नै जाउछु सेटाक स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के डायरेक्टर्स और उनकी टीम, फिर जो SCERT के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डायट्स उसके सारे मेंबर्स जो टीचर एजुकेटर्स हैं, उनके नीचे जाएं तो जो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होता है जो ऑन साइट ट्रेनिंग सपोर्ट देता है स्कूलों को वो, और ब्लॉक के नीचे जो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर होता है जो 10 स्कूलों को करीब एक क्लस्टर में बांध करके ऑन साइट सपोर्ट देता है फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस एंड हैंड होल्डिंग, ये सारे मेंबर्स आज हमारे साथ प्रेजेंट हैं। और अभी अभी माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी भी आई हैं, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ ये जो सारे लोग जुड़े हुए हैं और ऑटोनोमस बॉडीज जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उससे जो सारे लोग जुड़े हुए हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से आए हुए अधिकारी और उनकी टीम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत आज स्वागत करती हूँ। आज के दिन हम लोग 5 हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड हैं उनको हम लॉन्च करने जा रहे हैं, और हमारे समक्ष जो माननीय मंत्रीगण हैं वो आज इसे लॉन्च करेंगे। उन 5 इनिशिएटिव्स के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। सबसे पहले जो हम लॉन्च करेंगे वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अब तक किया गया काम जो स्कूल एजुकेशन विभाग के द्वारा किया गया है, उसके बारे में एक हम लोगों ने बुकलेट तैयार करी है। इस बुकलेट में करीब 52 ऐसे काम हैं अंडर डिफरेंट हेड्स लाइक करिकुलम, पेडागॉजी, इंक्लूजन, प्लानिंग, टीचर एजुकेशन, टीचर इन सर्विस ट्रेनिंग एट्सेट्रा। इन सारे एरियाज में किए गए काम को इसमें जो एक अचीवमेंट बुकलेट बनाई है इसके अंदर बहुत ही आसान भाषा में और फ्लो में इसको दर्शाया गया है, और इसमें ये भी दर्शाया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में हमारे कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो हम लोग रिलीज़ करने जाएंगे। तो पूरे मिला के 62 इनिशिएटिव्स का ब्यौरा है इसमें। ये 62 इनिशिएटिव्स एक ओवरऑल सिस्टम दर्शाता है, क्योंकि इनके अंदर भी सब इनिशिएटिव्स बहुत सारे हैं। दूसरी चीज़ जो आज लॉन्च होगी वो है निपुण भारत यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का जो मिशन है उसके लिए जो क्लासेस प्री स्कूल टू क्लास 3 एंड एक्चुअली अप टू क्लास 5 जो हम लोगों ने टूल्स और रिसोर्सेज तैयार किए हैं, ये सारा कुछ हम लोगों ने दीक्षा पे अपलोड कर दिया है और उसको आज माननीय मंत्री जी रिलीज़ करेंगे। ये टूल्स सारे राज्यों के लिए अवेलेबल है थ्रू दीक्षा, और ये इनको बड़ा साइंटिफिकली प्रोड्यूस किया गया है। इससे बच्चों का असेसमेंट हो सकता है कि उनका लर्निंग लेवल किस लेवल पर है, इससे बच्चों को एक्टिविटी और कंटेंट मिलता है जिससे वो घर बैठे सीख सकते हैं, और यही जो कंटेंट है इसको हम लोग टेलीविज़न थ्रू स्वयं प्रभा भी और रेडियो थ्रू शिक्षा वाणी भी इसको आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। तीसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आज लॉन्च होने वाली है वो है वर्चुअल स्कूलिंग जो NIOS के द्वारा तैयार की गई है। इसमें 9th to 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये ऑप्शन रहेगा कि वो वर्चुअल स्कूल ज्वाइन कर सकें। इस वर्चुअल स्कूल में शुरू से लेकर के अंत तक सब कुछ वर्चुअल होगा, यानी कि जो क्लासेस हैं जो एक्टिविटी बेस्ड होंगी, एक्सपीरियंशियल होंगी, टेक्स्ट बुक बेस्ड होंगी, उसके बाद जो इनका असेसमेंट होगा जो प्रॉक्टर बेस्ड असेसमेंट होगा, इनका जो रिजल्ट्स होगा एवरीथिंग, और उसी तरह का लाइव इंटरेक्शन होगा जो कि प्रयत्न किया जाएगा जो कि क्लासरूम में होता है। और ये दिस विल बी अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सर इन दिस कंट्री जो वर्चुअल स्कूल हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। चौथी चीज़ है ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर। आप लोगों को याद होगा कि पिछले साल जब कोविड शुरू हुआ था उस वक्त NCERT ने ग्रेड 1 to ग्रेड 12 के लिए एक कैलेंडर तैयार किया था जिसके जो वीकली कैलेंडर है जो लर्निंग आउटकम बेस्ड है और जिसमें कुछ कंटेंट के लिंक्स दिए गए थे जिससे स्कूल भी, टीचर्स भी, SCERTs, राज्य सरकार, ये सारे लोग उस लिंक पे जा करके एक वीकली कैलेंडर के तौर पे उसको इस्तेमाल कर सकते थे।
इसको अभी एक्सपेंड किया गया है। इस बार जो कैलेंडर जो लॉन्च हो रहा है उसके अंदर जो बच्चों के पास किसी भी प्रकार के डिजिटल डिवाइस नहीं है, वो किस तरह से घर बैठे घर के रिसोर्सेज से एक्टिविटी करके उस पर्टिकुलर टॉपिक या लर्निंग आउटकम को समझ सकते हैं, और उसी तरह जिन बच्चों के पास डिवाइसेस हों वो किस तरह से उस लिंक पे जाके उस एक्टिविटी को देख करके लर्निंग कर सकते हैं, ये दो चीज़ें इसमें समावेश की गई हैं। और इसके अलावा पहली बार इसमें असेसमेंट आइटम्स, उस बच्चे ने क्या सीखा उसका असेसमेंट हम कैसे करेंगे, उसका क्वेश्चन बैंक भी इसमें डाला गया है। और ये अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर अभी एलिमेंट्री लेवल का हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और इसी तरह का बाद में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का भी किया जाएगा। द फिफ्थ थिंग एंड नॉट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रिया। प्रिया जो है एक एक्सेसिबिलिटी बुकलेट है, और ये कॉमिक बेस्ड है। इट इज़ एन एक्टिविटी बेस्ड कॉमिक बेस्ड बुकलेट फॉर एक्सेसिबिलिटी फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। और इसके अंदर दोनों तरह के, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं बच्चे और जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, दोनों के लिए जो है ये कॉमिक बुकलेट बहुत काम आएगी, क्योंकि उनके लिए दोनों के लिए इसमें प्रावधान है। इसके अंदर QR कोड्स हैं हर एक पेज के ऊपर इनफैक्ट, और वो जो QR कोड है इसके पीछे कंटेंट टैग्ड है, और वो जो कंटेंट है वो विजुअली इम्पेयर्ड एंड हियरिंग इम्पेयर्ड दोनों प्रकार के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट साबित होगा। और ये जो इसके अंदर इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ है इस कॉमिक बुक के अंदर, जिसको पढ़ के ये हमारे बच्चे जो हैं दे विल बी एबल टू अचीव सर्टेन लर्निंग लेवल्स। तो सर ये पांच प्रोग्राम आज लॉन्च होंगे, और सर उसके बाद ये जो सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, उनके साथ आज हमारा फुल डे वर्कशॉप है निपुण भारत के ऊपर, जिसमें कि हम उनके साथ चर्चा करेंगे कि निपुण भारत को पैंडमिक के दरमियान किस तरह से हम आगे ले जा सकेंगे। और उस चर्चा में हम लोग काफ़ी क्वेश्चन आंसर सेशंस डिस्कशंस ये सब काफ़ी कुछ इसमें रहेगा सर। इन शब्दों के साथ सर हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। Now I request Honorable Education Minister Shri Dharmendra Pradhan ji and Honorable Social Justice and Empowerment Minister Dr. Virendra Kumar ji to kindly launch a booklet on one year achievements and Madam Annapurna Devi ji, Minister of State for Education, to kindly launch a booklet on one year achievements of NEP. Taking the next phase of the program, now I request Honorable Education Minister to kindly launch the Nipun Bharat FLN tools and resources on Diksha by way of a video which will be played. निपुण भारत के अंतर्गत 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सीखने की प्रक्रिया का आधार है। पूर्व प्राथमिक से कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए सीखना एक ऐसा अनुभव होना चाहिए जो समग्र, समीकित और समावेशी होने के साथ आनंददायी और रुचिकर भी हो। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के समग्र अधिगम अनुभव के लिए आवश्यक है विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए रोचक ई संसाधन उपलब्ध कराना। इन हितधारकों के लिए NCERT द्वारा दीक्षा पोर्टल पर उचित ई संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 3 तक के सभी सीखने के प्रतिफल समाहित हैं।
विद्यार्थी अब खेल कहानियों, बाल गीतों, शिल्प व अन्य रुचिकर शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से सीख सकेंगे। दीक्षा पोर्टल पर सीखने के प्रतिफलों को सुनिश्चित करने वाले ई संसाधन जैसे इन्फोग्राफिक पोस्टर्स, वर्कशीट्स, असेसमेंट शीट्स और वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे।